अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिफॉर्मिंग को स्टडी करेंगे। रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम बेसिकली रिफॉर्मिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप फ्यूल की क्वालिटी या उसकी रेटिंग को इम्प्रूव करते हैं। जैसे कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा कि पेट्रोलियम ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक सोर्स है, और लास्ट लेक्चर के अंदर आपने देखा कि पेट्रोलियम को जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की टेक्निक से गुजारते हैं तो इससे बहुत सारी फ्रैक्शंस हासिल होती हैं, जिसमें से एक फ्रैक्शन है गैसोलीन। अमूमन क्या होता है कि पेट्रोलियम से हासिल होने वाली गैसोलीन की फ्रैक्शन जो हाईली डिज़ायरेबल होती है, ये अच्छी क्वालिटी की नहीं होती। इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम रिफॉर्मिंग को स्टडी करेंगे। ये जो गैसोलीन है, इसके बारे में आप बखूबी जानते हैं कि ये एज अ मोटर फ्यूल यूज़ होती है और हर किस्म के ऑटोमोबाइल्स में इसका इस्तेमाल होता है, और तमाम ऑटोमोबाइल्स के अंदर इंटरनल कंबशन इंजन्स होते हैं जिनमें ये बर्न होती है, यानी फ्यूल बर्न होता है गैसोलीन। अब ये अगर अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है इंजन्स के अंदर, जिसे कहते हैं नॉकिंग। नॉकिंग क्या है? नॉकिंग बड़ी ही इम्पॉर्टेंट टर्म है। लेट्स सी, व्हेन अ बैड क्वालिटी फ्यूल बर्न्स इन एन ऑटोमोबाइल इंजन, कंबशन कैन बी इनिशिएटेड बिफोर द स्पार्क प्लग फायर्स। दिस produces a sharp metallic sound which is called knocking. Knocking एक ऐसा phenomena है कि जब आप किसी भी engine में bad quality का fuel pour करते हैं और वो burn करता है, तो engine के अंदर एक basically phenomena होता है जो भी आप आगे जाकर देखेंगे कि उसमें एक spark plug होता है। spark plug, इसका काम होता है आग लगाना। तो ये कंबशन के प्रोसेस को इनिशिएट करता है, लेकिन अगर अच्छी क्वालिटी का फ्यूल नहीं है तो कंबशन स्पार्क प्लग के फायर करने से पहले ही शुरू हो जाती है, जिसकी बदौलत एक शार्प किस्म की मेटालिक साउंड सुनाई देती है, जिसे नॉकिंग कहते हैं। इसका नुकसान क्या है? इसका एक डिसएडवांटेज है कि इट रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ इंजन। ये इंजन की एफिशिएंसी को मुतासर करता है, इसे नुकसान पहुँचाता है। अब हम आगे नेक्स्ट देखेंगे कि इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर ये वर्किंग होती कैसे है और ये नॉकिंग का फिनोमेना उसमें कैसे प्रोड्यूस होता है। ये बेसिकली इंजन के अंदर होने वाले साइकल्स हैं। किसी भी इंजन के अंदर 4 किस्म के स्ट्रोक्स होते हैं। पहला स्ट्रोक अंडरस्टैंड करने से पहले आप इसकी डायग्राम को देखें, जिसमें सबसे टॉप पर इनटेक वॉल्व है। ये इनटेक वॉल्व है वाइट कलर की, और जैसे ही इसे नीचे पुश किया गया है तो एक पैसेज ओपन हो चुका है जहां से एयर और फ्यूल का मिक्सचर इंट्रोड्यूस किया जाता है, और जिस चैम्बर में ये जाता है उस चैम्बर को कंबशन चैम्बर कहते हैं। कंबशन चैम्बर के साथ ही नीचे एक पिस्टन लगा हुआ है जो मूवेबल है, जो ऊपर और नीचे मूव करता है। इसके साथ एक कनेक्टिंग रॉड मौजूद है। कनेक्टिंग रॉड के साथ एक क्रैंक शाफ्ट लगी हुई है, यानी पिस्टन जैसे ही ऊपर और नीचे मूव करेगा उसकी मैकेनिकल एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी, तो आपका जो व्हील है ऑटोमोबाइल का वो मूव करता है। सबसे टॉप पर सेंटर में स्पार्क प्लग है, जिसका काम फायर करना है, स्पार्क प्रोवाइड करना है। इसके साथ ही राइट साइड पर एक और वाल्व लगी हुई है जिसे एग्जॉस्ट वाल्व कहते हैं। ये पहले स्ट्रोक के अंदर क्लोज होती है। फर्स्ट स्ट्रोक को इनटेक स्ट्रोक कहते हैं, जिसमें एयर और फ्यूल का मिक्सचर इस चैम्बर में इंट्रोड्यूस किया जाता है। सेकंड चैम्बर, जैसे ही फ्यूल और एयर का मिक्सचर इंट्रोड्यूस हो जाता है, ये वाल्व बंद हो जाती है। दोनों वाल्व्स बंद रहती हैं। अब क्या होगा कि ये जो पिस्टन है, स्लोली जो पहले नीचे मूव कर रहा था, अब ऊपर मूव करना शुरू हो जाएगा, जिससे यहाँ पर मौजूद मिक्सचर एयर और फ्यूल का कंप्रेस होगा, और ये कंप्रेशन एक खास लिमिट तक होता है। उस लिमिट पर पहुँचने पर जो
स्पार्क प्लग है वो बेसिकली स्पार्क प्रोवाइड करता है. इस स्ट्रोक को हम कंप्रेशन स्ट्रोक कहते हैं, जहां एयर और फ्यूल का मिक्सचर कंप्रेस हो जाता है. आप देख सकते हैं पहले ये एक्सपेंड था, पिस्टन के ऊपर मूव करने से ये कंप्रेस हो गया. थर्ड में जो तीसरा स्ट्रोक है इसको बोलते हैं पावर स्ट्रोक. जैसे ही मिक्सचर कंप्रेस हो जाता है तो एक खास हद तक पहुंचने पर स्पार्क प्लग स्पार्क प्रोवाइड करेगा और फ्यूल जो है उसको आग लग जाती है. तो जैसे ही आग लगेगी एक ब्लास्ट, एक एक्सप्लोजन, एक पावर प्रोड्यूस होती है. वो एक्सप्लोसिव फोर्सेस पिस्टन को नीचे की तरफ धकेलती हैं और फ्यूल बर्न हो जाता है. इसको पावर स्ट्रोक कहते हैं. यही वो पावर है जो पहिए को मूव करवाती है. नेक्स्ट में जो लास्ट स्ट्रोक है वो है जी एग्जॉस्ट. एग्जॉस्ट में क्या होता है कि अब जित आपके पास पिस्टन पहले तो ऊपर मूव कर रहा था, अब नीचे मूव कर गया है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जितना भी आपका फ्यूल बर्न हुआ था वो अब एग्जॉस्ट वॉल्व ओपन होने की वजह से चैम्बर से बाहर साइलेंसर्स में से एग्जॉस्ट गैसेस जो है एक्सक्लूड हो जाती हैं. तो इस तरह पिस्टन पुश करता है बर्न गैसेस को आउट ऑफ दी चैम्बर. तो ये बेसिकली फोर स्ट्रोक्स होते हैं जो किसी भी इंजन के अंदर वर्क कर रहे होते हैं. अब नॉर्मली ये बिहेवियर एक अच्छी क्वालिटी फ्यूल का है. अगर आपका फ्यूल अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा तो क्या होगा कि कंप्रेशन और पावर स्ट्रोक में आपने देखा कि जैसे जैसे पिस्टन ने मूव ऊपर किया और फ्यूल का मिक्सचर जो है वो कंप्रेस हुआ, वो कंप्रेशन एक अच्छी क्वालिटी का फ्यूल एक खास लिमिट तक ही बर्दाश्त करता है. अगर फ्यूल अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो वो ज़्यादा कंप्रेशन बर्दाश्त नहीं करेगा और जैसे ही पिस्टन मूव ऊपर करेगा वो थोड़े से कंप्रेशन के साथ ही इग्नाइट कर जाता है. इससे पहले कि स्पार्क प्लग उसे फायर करे ऑटोमेटिकली इग्निशन शुरू हो जाती है, जिससे क्या होता है आप पिस्टन ऊपर आ रहे हैं, कंप्रेशन पहले ही बढ़ गया है, आग लग चुकी है और ये पिस्टन अभी भी आगे मूव कर रहा है, तो उससे एक शार्प किस्म की मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होती है जो आपके इंजन के लिए नुकसानदेह है. ये तमाम पुअर क्वालिटी के फ्यूल्स आपके पास इसी तरह बिहेव करते हैं. तो ये था जो आपने अभी लास्ट में देखा कि जब हम नॉकिंग करते हैं और कंबशन कैन बी इनिशिएटेड बिफोर द स्पार्क प्लग फायर्स, तो उसका फिनोमिना बेसिकली ये है जो अभी आपने डायग्राम में देखा. नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमें पता तो चल गया कि फ्यूल अच्छी क्वालिटी का ना हो तो किस किस्म का प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ता है. तो अब ये सवाल पैदा होता है कि हाउ डू वी नो अबाउट द क्वालिटी ऑफ अ फ्यूल. तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड सेट किया गया जिसे ऑक्टेन नंबर कहते हैं. ऑक्टेन नंबर क्या है? इट इज़ अ पैरामीटर टू चेक द एंटी नॉकिंग क्वालिटी ऑफ अ फ्यूल. बेसिकली स्टैंडर्ड स्केल को सेट किया गया है ताकि फ्यूल की एंटी नॉकिंग क्वालिटी को जज किया जा सके. बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए और उनके नतीजे में ये पता चला कि दो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं लाइक एन हेप्टेन, जिसका फार्मूला है C7H16, जो कि एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है. इसमें सेवन कार्बन्स हैं और स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर से मुराद है कि एक कार्बन दूसरे के साथ लिंक है और इसके साथ साइड ग्रुप कोई नहीं है. तो इसका जो ऑक्टेन नंबर था उसे बहुत ही कम था तो एक वैल्यू दे दी गई 0. इसके बरक्स एक और कंपाउंड जो कि एक हाइड्रोकार्बन है, जिसमें आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 8 कार्बन्स मौजूद हैं लेकिन एक ही सीरीज में लिंक नहीं हो रही. मेन चेन में 5 हैं, बाकी साइड ग्रुप्स हैं. तो कलेक्टिवली अगर हम इन्हें देखें तो ये 8 पर मुश्तमिल एक स्ट्रक्चर है जिसे ऑक्टेन कहेंगे. क्योंकि लिंकेज आपके पास सीरीज में नहीं है तो इसे हम ब्रांच स्ट्रक्चर कहते हैं. और इसका नेम जो है वो है जी 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन.
बेसिकली मेन चेन के साथ जितने भी साइड ग्रुप्स होते हैं उनको नंबरिंग के साथ नेम किया जाता है, और ए कार्बन वाले साइड ग्रुप को मिथाइल कहते हैं। तो तीन लगे हुए हैं तो ट्राई मिथाइल है, और नंबरिंग आपके पास या तो लेफ्ट साइड से होती है या राइट साइड से होती है, जहाँ पे ब्रांच ज़्यादा लगी हुई है वहाँ से होगी। तो यहाँ पर से नंबरिंग शुरू करें तो सेकेंड नंबर कार्बन पर आपके पास दो ग्रुप्स लगे हुए हैं, इसीलिए इसके लिए भी टू, इसके लिए भी टू, और इसके बाद थ्री, ये फोर कार्बन पर भी एक ग्रुप लगा हुआ है तो इसको फोर, और तीन है तो ट्राई मिथाइल, और पांच वाली चेन है तो पेंटेन कहेंगे। ये एक ब्रांच चेन स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर को आर्बिट्रेली 100 ऑक्टेन नंबर दिया गया है क्योंकि ये अच्छी क्वालिटी का फ्यूल था, इसकी बर्निंग अच्छी थी। तो आप देख सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट से पता चला कि स्टेट चेन और ब्रांच चेन स्ट्रक्चर्स में कंपैरिजन करें तो बहुत सारी क्वालिटीज़ देखने को आई जो आप आगे देखेंगे। ये जितनी भी स्टेट चेन स्ट्रक्चर्स हैं जब इंजन में बर्न करते हैं तो स्मूथली बर्निंग नहीं होती, जबकि ब्रांच चेन स्ट्रक्चर स्मूथली बर्न करते हैं। नॉकिंग के अतबार से देखें तो इनकी नॉकिंग ज़्यादा होती है जबकि इनकी नॉकिंग कम होती है। इंजन की एफिशिएंसी के अतबार से देखें तो ये रिड्यूस करते हैं एफिशिएंसी को, ये रिटेन करते हैं। ऑक्टेन नंबर, जैसा कि आपने अभी देखा कि इसका ऑक्टेन नंबर लो होता है और उसको ज़ीरो वैल्यू असाइन की गई है, और इसी तरह जो आपके पास ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन है उसमें जो आप एग्जांपल देखेंगे वो है आइसो ऑक्टेन, जो अभी आपने प्रीवियसली देखी है, उसको आर्बिट्रेरली 100 वैल्यू दी गई है क्योंकि इसकी नॉकिंग बहुत ही कम थी और ना होने के बराबर थी। तो एक स्केल सेट करने के लिए इसको, क्योंकि ये कम से कम नॉकिंग करता है, तो इसे 100 की वैल्यू दे दी गई, और इसी से कंपेयर करके हम बाकी फ्यूल्स की जजमेंट करते हैं। क्वालिटी के लिहाज से बात की जाए कि फ्यूल की क्वालिटी कैसी है, जो जितने भी स्टेट चेन हाइड्रोकार्बन है दे आर पुअर क्वालिटी फ्यूल्स लाइक एनहेप्टेन, और जितने भी ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन हैं दे आर गुड क्वालिटी फ्यूल्स, कम नॉकिंग करते हैं, अच्छा ऑक्टेन नंबर है, फॉर एग्जाम्पल आइसो ऑक्टेन। तो ये था कंपेरिजन, जिससे एक तो स्केल डिवाइस हो गया। तो यहां से अब आइस ऑक्टेन नंबर की आप एक प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे। द परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन इन आइसो ऑक्टेन एनहेप्टेन मिक्सचर दैट मैचेस द नॉकिंग प्रॉपर्टीज ऑफ अ गिवन फ्यूल इज कॉल्ड ऑक्टेन नंबर ऑफ द फ्यूल। हम किसी भी अननोन फ्यूल का ऑक्टेन नंबर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कि अगर अननोन फ्यूल है तो आप आइसोक्टेन और एनहेप्टेन का मिक्सचर लेंगे, उसमें जितनी भी आइसोक्टेन की परसेंटेज होगी अगर वो आपके अननोन गिवन फ्यूल की नॉकिंग से मैच कर जाए तो वो उसका ऑक्टेन नंबर कहलाता है। फॉर एग्जांपल, इफ द नॉकिंग ऑफ एन अननोन फ्यूल अगर मैच कर जाती है 90% आइसोक्टेन विद 10% एनहेप्टेन के मिक्सचर के साथ, तो इसका मतलब ये है कि ऑक्टेन नंबर आपके अननोन फ्यूल का 90 होगा। अगर इस मिक्सचर में इसकी रेशो आप 70 लेते हैं और इसकी रेशो 30 लेते हैं तो देन इस अननोन फ्यूल का ऑक्टेन नंबर 70 होता। ये ऑक्टेन नंबर का स्केल है और इसके तहत हम किसी भी अननोन फ्यूल की रेटिंग कर लेते हैं। जनरली हायर द ऑक्टेन नंबर, जितना ज़्यादा ऑक्टेन नंबर होगा उतनी अच्छी क्वालिटी का फ्यूल होगा और उतनी ही नॉकिंग कम होगी। ये था ऑक्टेन नंबर, कि हम किस तरह फ्यूल की क्वालिटी या फ्यूल की क्वालिटी की जजमेंट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे वो कौन से वेज हैं जिससे हम नॉकिंग को कम कर सकते हैं। तो टू वेज हैं जिससे आप नॉकिंग कम भी कर सकते हैं और ऑक्टेन नंबर ऑफ फ्यूल को इम्प्रूव कर सकते हैं। पहला है रिफॉर्मिंग, दूसरा है एंटी नॉकिंग एजेंट्स। नंबर वन, रिफॉर्मिंग। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वेयन ऑफ स्टेट चेन हाइड्रोकार्बन्स इनटू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स बाय हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफॉर्मिंग। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप स्टेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को ब्रांच में कन्वर्ट कर लेते हैं, और ब्रांच की आप प्रॉपर्टीज पहले ही देख चुके हैं कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि ब्रांच कम से कम नॉकिंग करेगा, स्मूथली बर्न करेगा, अच्छी क्वालिटी का फ्यूल होगा, नॉकिंग कम होगी, तो जो आपके पास एफिशिएंसी है इंजन की वो रिड्यूस नहीं होती। ये आपके पास एन ऑक्टेन है जिसमें CH3, CH2, 6, CH3 8 कार्बन एटम्स हैं। ये स्टेट चेन स्ट्रक्चर है, कंडेंस करके यहाँ पे CH2 को लिखा गया है।
इसी तरह जब इसे हीट करेंगे और कैटलिस्ट प्रोवाइड करेंगे तो ये वही आपके पास 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी स्टेट से ब्रांच में कन्वर्ट होने से इसकी क्वालिटी और इसकी एफिशिएंसी और इसमें इसकी नॉकिंग, इन सब पैरामीटर्स पर कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये है पहला जरिया रिफॉर्मिंग। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाट आर द वेज टू रिड्यूस नॉकिंग, तो आप उसमें रिफॉर्मिंग लिखेंगे और सेकंड एंटी नॉकिंग एजेंट्स की बात करते हैं। और इससे अलग क्वेश्चन भी आ जाता है, यूज़ ऑफ एंटी नॉकिंग एजेंट्स हमारा सेकेंड फैक्टर है। ये भी क्वालिटी ऑफ फ्यूल को इम्प्रूव करता है जब स्मॉल अमाउंट में कोई एडिटिव हम इसमें ऐड करते हैं, लाइक टेट्रा इथाइल लेड, विच इज एब्रीविएट एज TEL। इसका फार्मूला है C2H5 4 PB। ये एक एफिशिएंट एंटी नॉकिंग एजेंट है, इसको आपने MCQ के लिए भी माइंड में रखना है। लेकिन जो टेट्रा इथाइल लेड है इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि जाहिर सी बात है जब आप फ्यूल में डालेंगे तो ये बर्न करेगा, और इसका जो कम्बशन प्रोडक्ट है इसमें लेड मौजूद है तो वो कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, एयर में से मौजूद ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करेगी तो ये लेड ऑक्साइड Pb2O में कन्वर्ट हो जाता है, जो फर्दर रिड्यूस होकर मेटालिक लेड Pb में कन्वर्ट हो जाती है, विच इज़ डिस्चार्ज इन टू द एयर थ्रू द एग्जॉस्ट पाइप एंड कॉज एयर पोल्यूशन। ये डायरेक्ट एग्जॉस्ट से एयर में जाएगी तो एयर पोल्यूशन कॉज करेगी। दिस इज ऑल अबाउट द रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। बेस्ट ऑफ लक।